हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट इज़ अ नंबर वन इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने लाइट का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, आप इजीली डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसके 6 पार्ट देखिए। हम आपको MPPSC का पेपर नंबर 3 फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कवर करा रहे हैं, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड अदर टॉपिक दैट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एंड सम पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। सो आज हमारा नया चैप्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बैच चल रहे हैं UP रिलेटेड टू UPSC एंड MPPSC। ओके, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जो कि 1 अगस्त से हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। 1 अगस्त से हमारा एक टेस्ट हो चुका है और 4 अगस्त को भी हमारा एक टेस्ट हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन जाइए और देखिए, 30 मॉक टेस्ट का वीडियो मैंने डाल के रखा है, तो आप उसको चेक करिए और उसमें नंबर भी दिए गए हैं कोचिंग के। आप इसीलिए कॉल करिए लैंडलाइन पर या मोबाइल नंबर पर और हमारे कुलदीप सर से डायरेक्ट कंसल्ट करिए किस वे में आपको एक टेस्ट सीरीज और MPPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। UPSC एंड MPPSC बोथ बैचेस स्टार्टेड, बोथ प्री एंड मेंस। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 3rd पेपर ऑफ MPPSC। ओके, फिजिक्स का पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी, और मेरे पुराने वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। देन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी, वी कवर द इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे इन अबाउट 600 BC में द ग्रीक फिलोसफर थेल्स ऑब्जर्व दैट वेन एम्बर इज रब्ड विथ अ कैट स्किन इट गेट द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीस ऑफ पेपर। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर किसी भी जो थेल्स जो ग्रीक फिलोसफर थे, उन्हें फाइंड आउट किया एम्बर को कैट की स्किन पर रव किया देन इट अट्रैक्ट द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द पावर ऑफ पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग की प्रॉपर्टी आ चुकी है। देन आफ्टर दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन बाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बोला किसी भी दो ऑब्जेक्ट को, अब जब अपन रब करते हैं इट अट्रैक्ट दी अट्रैक्टिंग पावर, दैट इज कॉल्ड अ स्टेटिक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। प्रोवाइडेड दैट चार्ज प्रोड्यूस बाय द रविंग सब्सटेंस ऑन देम रिमेन इंटैक्ट वेयर दे वर जनरेटेड बाय द रबिंग। मैंने क्या बोला कि चार्ज वहीं तक रहेगा जहां पर रब हो रहा है, जो भी दो ऑब्जेक्ट रब हो रहे हैं वहीं तक चार्ज होगा, एक चार्ज नेगेटिव एक चार्ज पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और टाइप ऑफ चार्ज अपन पढ़ेंगे, दो टाइप के होते हैं चार्जेस। देखिए, सबसे पहले व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करते हैं बाय फ्रिक्शन बोथ द ऑब्जेक्ट जिस पर ऑब्जेक्ट रब्ड हो रहा है एंड द ऑब्जेक्ट विच इज रब्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इक्वल मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाता है व्हेन वी रब बोथ बॉडी। ओके, देन आफ्टर बट द नेचर ऑफ द चार्ज जनरेटेड ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट आर अपोजिट टू ईच अदर। मैंने अभी आपको पहले बताया कि एक ऑब्जेक्ट में निगेटिव चार्ज एंड अदर ऑब्जेक्ट इज अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, दो ऑब्जेक्ट को जब अपन रब करते हैं विथ ईच अदर तो एक में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक में निगेटिव चार्ज। ओके, देन आफ्टर देखो द चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट इज निगेटिव चार्ज। मैंने आपको पहले बताया कि एक चार्ज निगेटिव एक चार्ज पॉजिटिव एंड द चार्ज ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द टर्म नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज फॉर चार्ज वर फर्स्ट यूज बाई बेंजामिन फ्रैंकलिन। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को पहले किसने डिफाइन किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। इफ ग्लास इज रब्ड विथ सिल्क, अगर ग्लास को हम रब करते हैं घिसते हैं विथ अ सिल्क देन पॉजिटिव चार्ज इज जनरेटेड इन द ग्लास। तो आपको पता है कि अगर ग्लास को रब करेंगे सिल्क के साथ तो ग्लास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क के अंदर निगेटिव चार्ज। बट इफ ग्लास इज रब्ड विद द कॉटन
अगर ग्लास को रब करेंगे कॉटन के साथ देन द निगेटिव चार्ज विल बी जनरेटेड इन अ ग्लास। मैंने क्या बोला कि अगर ग्लास को रब करेंगे सिल्क के साथ तो ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन आफ्टर ग्लास को अगर रब करते हैं कॉटन के साथ देन ग्लास जनरेट दी निगेटिव चार्ज। ओके देयर इज अ रिपल्सन इन सिमिलर चार्ज। आपको पता है मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक के अंदर मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑलवेज रिपल। ओके एंड अपोजिट पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड ईच अदर। ओके क्लियर। दैट अपोजिट चार्ज होते हैं वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं और रिपल्सन कौन करते हैं सिमिलर चार्ज। इफ द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर रिपल्ड विथ ईच अदर एंड द अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। जैसे पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर। अगर पॉजिटिवली दोनों चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे एंड नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ऑल्सो रिपेल ईच अदर और नेगेटिवली चार्ज ऑल्सो रिपेल ईच अदर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन आफ्टर डिफरेंट साइंटिस्ट हैव गिवन मैनी सजेशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। कई सारे साइंटिस्ट ने समय समय पर डिफरेंट डिफरेंट सजेशन दिए। क्या सजेशन दिए इसको क्लियर करते हैं। टू एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से जो चार्ज जनरेट हो रहा है उसके ऊपर कई सारी थ्योरी दी डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने। एट प्रेजेंट अभी कौन सी थ्योरी चल रही है द मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। उन सभी थ्योरी में से मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड दैट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है। देखो दिस थ्योरी हैज बीन डेवलप्ड बाय एफर्ट ऑफ साइंटिस्ट लाइक थॉमसन। थॉमसन के साइंटिस्ट जिसका नाम था थॉमसन उनने दी थी मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। रदरफोर्ड एंड नील बोर ईटीसी दीज थ्री साइंटिस्ट प्रोवाइडेड द मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ओके इन तीनों साइंटिस्ट ने डेवलप क्या करा था मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड टुगेदर जब दो ऑब्जेक्ट को हम रब्ड करते हैं द इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम आउटर ऑर्बिट ऑफ द एटम ऑफ वन ऑफ देम गो टू द एटम ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। आपको पता है एटम का शेप कैसा होता है इट इज अ शेप ऑफ एटम। ओके इसके आउटर में एक दो कितने भी हो सकते हैं। ओके ये आउटर में इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे कि जो अपन एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जब रब करेंगे तो आउटर एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें दूसरे ऑब्जेक्ट के आउटर में। ओके दूसरे एटम के आउटर में इलेक्ट्रॉन जे ट्रांसफर हो जाएगा। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज कॉल्ड ड्यू टू दिस इस कारण देयर इज अ डिक्रीजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि पहले ऑब्जेक्ट जो आउटर कोर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें लॉस होगा। किसका लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। एन इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट और जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन जा रहा है जिस एटम के अंदर आउटर कोर में उसको गेन होगा किसका इलेक्ट्रॉन का। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जो भी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज एंड जो गेन करेगा दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव चार्ज। लिखा है ना एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट बिकम नेगेटिवली चार्ज। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और कॉलम लॉ। अपन क्या पढ़ेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कॉलम लॉ। ओके देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। मैंने आपको बताया पहली स्लाइड में कि क्या होता है कि सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट देन एंड अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर चार्ज। ओके टू डिसिमिलर चार्ज में अट्रैक्शन होगा और सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होगा। दिस फोर्स डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। किस पर डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द
टू चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस एंड द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में मीडियम क्या है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, ओके, एटम टू एटम ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन आउटर कोर से और दूसरे आउटर कोर में एटम के। मैंने आपको बताया जो जो भी एटम डोनेट करता है या देता है, ट्रांसफर करता है फ्रॉम आउटर कोर टू इलेक्ट्रॉन, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और जो गेन करता है दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव चार्ज, ओके। कॉलम प्रपोज टू लॉ फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज, डिटेल आर फॉलो। कॉलम ने क्या करा कि क्या डिफाइन किया, दो लॉ डिफाइन किए फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज, जो भी दोनों के बीच में जो फोर्स चार्ज लग रहा है दोनों के बीच में वो उसको डिफाइन किया। अब डिटेल आर एस फॉलो, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मैंने आपको बताया कि क्या बताया, देखो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एम वन एंड एम टू, ओके। क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड का टू ऑब्जेक्ट, दो भी दो चार्ज हैं, दो चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, ओके। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर, ओके। दिस लॉ कैसे डिफाइन करेंगे, दिस लॉ इज कॉल्ड द इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो ये क्या है, दिस इज अ टू चार्ज, एफ इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड सेकेंड चार्ज, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज ऑफ द स्क्वायर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। आपको बताऊंगा इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, एक पर्टिकुलर लाइन जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं, ओके। इसको सिंपल वे में याद करिए, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द MPPSC, नॉट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द IIT और अदर एग्जामिनेशन विच हैव अ डीपली फिजिक्स। वी आर ओनली प्रिपेयरिंग द MPPSC विच हैव ओनली अ बेसिक थिंग ऑफ द फिजिक्स, ओके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इज द पाथ अलॉन्ग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव और टेंस टू मूव। क्या बोला कि फ्री पॉजिटिवली चार्ज जिस पाथ पे फ्लो होते हैं दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ओके। देयरफोर द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इज अ कर्व हूज टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये क्या डिफाइन करेगा कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक हमारी कैसे फ्लो हो रही है उसका डायरेक्शन भी डिफाइन करेगा। क्या डिफाइन करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन डिफाइन करेगा कि हमारा इलेक्ट्रिक कैसे फ्लो हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको पहले बताया था अभी इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो एटम डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, और जो एटम गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव चार्ज। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है जो पास होंगे, स्टार्ट कहाँ से होंगे, पॉजिटिवली चार्ज से, और एंड कहाँ पर होंगे, निगेटिव चार्ज पर, ओके, क्लियर। देन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज इमर्ज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। देन फोर्थ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। आपको पता है कि आप वायर लगाते हो तो वायर को हमेशा क्लोज लूप में नहीं होता है, अगर दोनों कनेक्ट कर दिए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ओके, तो क्लोज लूप होता नहीं है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स लाइन। मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक में क्या होता है, एक दो पोल होते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सिमिलर पोल ऑलवेज रिपेल एंड
अपोजिट पोल ऑलवेज अट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑलवेज अट्रैक्ट, बट इन सेकेंड कंडीशन नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल इज ऑलवेज रिपल विथ ईच अदर. ओके, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप. मैंने आपको अभी बताया प्रीवियस में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा क्लोज लूप बनाएगी, ऑलवेज इन क्लोज लूप में होगी, बिकॉज मैग्नेट में करंट कैसे पास होता है, दिस इज अ मैग्नेट, दिस इज अ मैग्नेट, इट ऑलवेज फ्लो लाइक दैट. ओके, इन मैग्नेट इट इज ऑलवेज क्लोज लूप, क्लोज लूप होता है मैग्नेट में, और इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा क्लोज लूप नहीं होती है. इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऑलवेज ऑरिजिनेट और एंड नॉर्मल टू द चार्ज कंडक्टिंग सरफेस, वेयर मैग्नेटिक फोर्स लाइन कैन स्टार्ट और एंड एट एनी एंगल ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल. क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कहाँ जनरेट होगा, ऑन अ कंडक्टिंग सरफेस, वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स लाइन कैन स्टार्ट और कहीं भी एंड हो सकती है एट एनी एंगल ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल. ओके, क्लियर. देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कैन नॉट बी देयर इनसाइड द कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कंडक्टर में नहीं होगी, वेयर एज मैग्नेटिक फोर्स लाइन ऑलवेज एक्सिस्ट इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल. आपको बताया मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज इन मैग्नेटिक मटेरियल, बट इलेक्ट्रिक फोर्स नेवर बी इन कंडक्टिंग सरफेस कंडक्टर. ओके, द टोटल लाइन ऑफ फोर्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस मे और मे नॉट बी जीरो. मैंने क्या बोला, जो फोर्स टोटल फोर्स होगी इलेक्ट्रिक की जो कि क्लोज सरफेस है वो हमेशा जीरो नहीं होगी, मे नॉट बी जीरो, जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट टोटल मैग्नेटिक फोर्स लाइन एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस आर ऑलवेज जीरो, वो हमेशा जीरो रहेगी सिंस सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, क्लियर. देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक सर्किट. हम समझेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में. देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. देखो, इफ टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर कनेक्टेड बाई अ मेटल वायर. आपको पता है कि दो इलेक्ट्रिक, अपन जब करंट को दो किसी वायर को कनेक्ट करते हैं किससे, या अपने जो स्विच होते हैं स्विच के अंदर क्या लगाते हैं, अलग अलग डिफरेंट, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, तो दो जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, बाई मेटल वायर. देन चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. ओके, क्या बोला, चार्ज कैसे फ्लो होता है, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एंड दिस फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. और ये ऐसे जैसे चार्ज फ्लो होते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. देन इलेक्ट्रिक फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल. क्या बोला, करंट हमेशा फ्लो कैसे होता है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, बट द फ्लो ऑफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जिस फॉर्म में फ्लो होंगे उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन होगा. इलेक्ट्रिसिटी इज यूजली कैरिड बाई इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड कंडक्टर. इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कैसे करी जाती है कंडक्ट सॉलिड कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन के थ्रू. ओके, बाई एंड बाई बोथ आयन एंड इलेक्ट्रॉन इन लिक्विड. और लिक्विड में कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इन आयन और आयन और इलेक्ट्रॉन के दोनों के फॉर्म में. और सॉलिड में कैसे, सॉलिड में हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, और लिक्विड में आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों के फॉर्म में. देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के टाइप पढ़ेंगे. देखो, दो तरह के होते हैं इलेक्ट्रिक करंट. अभी हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कल कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी के. और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको थर्ड पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करना है तो वीडियो को लाइक करिए. ओके, देन आफ्टर, जो बच्चे रिमोट एरिया में या फाइनेंशियल कंडीशन के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं MPPSC का, पर उनमें लगन है कुछ करने की, तो शेयर करें उन लोगों को, जिससे उनका पेपर नंबर थर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा. इसी के साथ हम थर्ड पेपर के बाद सेकंड पेपर भी कंप्लीट कराएंगे. और अननेसरी कमेंट करने की जगह आप अच्छे कमेंट करें रिलेटेड टू बैचेस,
क्वेरी आपकी रिलेटेड टू बैचेस, रिलेटेड टेस्ट सीरीज ऑफ मेंस एंड प्री एंड बैचेस ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी, यू कैन इजीली आस्क टू द कुलदीप सर, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं आप। लैंडलाइन नंबर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे के रखे हैं और हमारे पुराने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर नंबर हैं और मेरे पुराने वीडियो भी हैं। ओके, देन आफ्टर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपको नए वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन भी दबाना है। ओके, देन वी कम नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ थैंक यू सो मच।